कम मेहनत अधिक मुनाफा तथा रातों रात करोड़पति बनने का सपना लोगों का प्रॉपर्टी डीलर यानी कि जमीन की दलाली करने के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका शिकार गांव के भोले भाले लोगों को होना पड़ रहा है। इधर चैनपुर प्रखंड में जमीन दलाली का मामला काफी तेजी से उजागर हो रहा है। इस पर चैनपुर के रौतिया समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। रौतिया समाज के लोगों ने दलालों द्वारा बहला फुसला कर या डरा धमका कर लिखवाए गए जमीन की वापसी की मांग की है। साथ ही गलत तरीके से हुए म्यूटेशन को रद्द करने की भी मांग की है। जमीन दलालों के चंगुल में फंस चैनपुर के छतरपुर गांव के महिनाथ रौतिया की मृत्यु सदमे में हो गई, जिसके बाद रौतिया समाज के लोग उग्र हो गए, जिसके बाद इस मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रौतिया समाज के मुहिम के साथ जुड़ जमीन वापस कराने की बात कही जा रही है। शनिवार देर शाम सांसद सुदर्शन भगत चैनपुर के छतरपुर गांव पहुंच महिनाथ रौतिया के शोक संपन्न परिवार एवं समाज के लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की पैतृक जमीन उनका स्वाभिमान होती है। सभा रखी गई थी जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया था, क्या क्या इसमें आपके द्वारा इसमें जांच पाया गया? आज बीच में एक दुखद घटना घटी। आज से दो तीन दिन पहले एक महिनाथ रौतिया की उसकी जो मृत्यु होती है और मृत्यु के कारण में जो विषय आ रही है कि भूमि का मसला था, भूमि का मामला था। आज इस दुखद समाचार को सुनकर मैं आज के इस रौतिया समाज की छतरपुर इस बैठक में मैं आया और मुझे जैसे ही जानकारी मिली, हमने यहाँ के उपायुक्त महोदय को हम इस घटना के संदर्भ में हमने बात की, हमने पूछा मामला किस प्रकार का है और जिला प्रशासन के तरफ से भी इस घटना प्रसंग को लेकर एक जांच कमेटी, 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिला स्तर के पदाधिकारियों की बनी है। और आज भी हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोकल इस अंचल के अंचलाधिकारी और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं। हमारी सीधी बातचीत हुई है इन समस्याओं को लेकर और जिन खास करके जिन बिचौलियों के तरफ से या जो भी विभिन्न प्रकार के जो विषय जमीन से संबंधित जो भी विषय आ रहे हैं उन सारे विषयों पर और इनके मृत्यु के या जो भी कारण हो सकते हैं उन सारे कारण उन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है और प्रशासनिक स्तर पर निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषीदार होंगे जांच के उपरांत जो भी मामला उभर कर आएगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कठोर से कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी। देखिए चैनपुर के छतरपुर गांव में हम लोग आए और जो घटना यहां पर घटा है महिनाथ सिंह के साथ में उनका बहुत निंदनीय है। मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो हमारा रौतिया जाति का जमीन को जमीन दलालों के माध्यम से लूटा जा रहा है, ये अब हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, जमीन को लूटा जा रहा है। ये लूट जो मची है दलालों के माध्यम से ये हम अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग एक आंदोलन के रूप में ले चुके हैं और जब तक यहाँ का जो माफिया लोगों के द्वारा जमीन हड़पा गया है, जमीन को लूटा गया है, वो जमीन जब तक वापस नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करेंगे। जब धमका रहे हैं गोली मारने का, मर्डर करने का, ये सब धमकी जो आ रहा है, लेकिन आज हम यहाँ एकत्रित होके हम एकदम निश्चित रूप से वो माफिया लोग को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम रौतिया जाति ना गोली से डरेंगे ना के से डरेंगे। काहे कि जब हमारा समाज अगुवाई करते हुए एक जागरूक होते हुए जब एक सड़क पर उतर रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए कभी एसपी हियां दे रहा है, डीसी हियां दे रहा है, लेकिन
उस कार्रवाई से, उस धमकी से, उस बंदर घुड़की से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो समाज है अब जाग चुका है, और जो महिनाथ सिंह के साथ है जो घटना घटा है उसके लिए हमें खेद है, और मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं कहना चाहूंगा आप लोग प्रेस के माध्यम से कि वो हमारे समाज के साथ जो शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वो बंद करें। और प्रशासन से, सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि हमारा जो समाज का जमीन लूटा गया है वो जमीन हमें वापस मिला, वापस मिले, नहीं तो हम लोग का जो आंदोलन अभी शुरू हुआ है वो जारी रहेगा। सुनने में आ रहा है कि गुमला जिला के साथ में पूरे झारखंड भी बंद होने का बात है, क्या सही है, ऐसा हो सकता है क्या? बात सही है, जब यहाँ अभी चैनपुर में अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, चैनपुर में नहीं होगा तो जिला में होगा, जिला नहीं तो फिर हम लोग राज्य स्तर पे जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालदेव सिंह हुआ, अखिल भारतीय रोहतिया समाज विकास परिषद केंद्रीय अध्यक्ष। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।